अखबारों में खबर आई है कि मिल्खा सिंह नहीं रहे, लेकिन मिल्खा सिंह हमेशा रहेंगे आप में, मुझ में और हर उस भारतीय में जो अपने वतन से मोहब्बत करता है। अशोक पांडे जी ने बहुत ही खूबसूरत बात लिखी है मिल्खा सिंह जी के लिए, मुझे लगा आपके साथ इसे साझा करना चाहिए। विभाजन की त्रासद हिंसा में मिल्खा सिंह के माता पिता, एक सगी बहन और दो सगे भाई मार दिए गए। पाकिस्तान से भागकर दिल्ली पहुंचे मिल्खा कुछ दिन अपनी बहन के घर रहे। उसके बाद उन्होंने रेलवे प्लेटफॉर्म को अपना घर बना लिया। बिना टिकट यात्रा करते पकड़े जाने पर उन्हें जेल हो गई। उसी बहन ने अपने हाथों के कड़े बेचकर भाई को तिहाड़ से बरी कराया। जीवन से निराश मिल्खा अब डाकू बन जाना चाहते थे, लेकिन अपने भाई मलखान के कहने पर उन्होंने फौज में भर्ती के लिए आवेदन किया। चौथी बार में उनका सिलेक्शन हुआ। एक जवान के तौर पर उन्हें 5 मील की अनिवार्य दौड़ दौड़नी थी। शुरू के 10 आने वालों को दौड़ने की ट्रेनिंग दी जाने वाली थी। आधा मील दौड़ने के बाद मिल्खा के पेट में दर्द उठने लगा और वो बैठ गए, लेकिन उनके भीतर से कोई कह रहा था, उठो मिल्खा, तुम्हें शुरू से 10 में जगह बनानी है। मिल्खा उठे और दौड़ पड़े। मिल्खा इस दौड़ में 6 नंबर पर रहे। बाद में उनके अफसर ने उनसे ट्रेनिंग के दौरान कहा कि उन्हें 400 मीटर की रेस के लिए तैयार किया जाएगा। मिल्खा ने पूछा, 400 मीटर माने कितना? मैदान का एक चक्कर? उन्हें बताया गया, एक चक्कर बस, ये तो कुछ भी नहीं है, मिल्खा ने सोचा। 5 साल बाद 1956 में मिल्खा सिंह मेलबर्न ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। 400 मीटर रेस की कुल 8 हीट हुई। मिल्खा का नंबर 5वीं में आया। 48.9 सेकंड का समय निकालकर वो हीट में आखिरी रहे और प्रतिस्पर्धा से बाहर हो गए। अमेरिका के चार्ल्स जेकिंस ने फाइनल में 46.1 सेकंड का समय निकालकर गोल्ड मेडल जीता। जब प्रतियोगिता समाप्त हुई तो मिल्खा टूटी फूटी अंग्रेजी बोलने वाले एक अपने दोस्त को साथ ले गए और चार्ल्स जेकिंस से मिले। मिल्खा जानना चाहते थे कि चार्ल्स अपनी ट्रेनिंग कैसे करते हैं। जेकिंस बड़े दोस्ताना थे, उन्होंने एक एक बात बता दी। उसी वक्त मिल्खा सिंह ने फैसला किया कि जब तक वो जेकिंस का रिकॉर्ड नहीं तोड़ लेते उन्हें रुकना नहीं है। 2 साल बाद जब कटक में एक रेस हुई तो उन्होंने ऐसा कर दिखाया। वो इतनी तेज भागे कि जो निर्णायक थे उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। उन्होंने ट्रैक की दोबारा से पैमाइश करवाई। मिल्खा सिंह के नाम के साथ 1960 के रोम ओलंपिक की वो ऐतिहासिक रेस जुड़ी हुई है जिसने उन्हें एक मिथक में तब्दील कर दिया था। वो फाइनल में पहुंचे और आधी रेस तक सबसे आगे रहने के बावजूद सेकंड के सवे हिस्से में मेडल पाने से रह गए। उस रेस में ओटिस डेविस और कार्ल काफमैन ने नया विश्व रिकॉर्ड बनाया, जबकि 45.73 सेकंड के साथ मिल्खा सिंह ने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। ये रिकॉर्ड तोड़ने में 48 साल लगे, जब परमजीत सिंह ने कलकत्ता में 45.70 सेकंड का समय लिया। मिल्खा सिंह के कारनामों के बारे में हर कोई थोड़ा थोड़ा जानता है। हमने बचपन से उन्हें हमेशा एक सादगी भरे सैनिक की तरह देखा है, जिसकी आंखों के भीतर हर वक्त एक आग रोशन रहती थी। अपनी सफलता का श्रेय उन्होंने हमेशा 3 चीजों को दिया, अनुशासन, मेहनत और इच्छा शक्ति। ये 3 चीजें बस आ जाएं तो आदमी दुनिया में सब कुछ हासिल कर सकता है। इस साधारण सी बात को जानता तो हर कोई है, लेकिन जिंदगी में उसे बरतने की तमीज बस किसी किसी को होती है। इसीलिए हमारे पास सिर्फ एक मिल्खा सिंह था। ये बताते हुए दिल बड़ा कांप रहा है कि अखबारों ने खबर छापी है कि मिल्खा सिंह नहीं रहे। देश के सबसे बड़े चैंपियन एथलीट मिल्खा सिंह हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे।